सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्लाजो की मोहरी का डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को आप बाजू की मोहरी में भी बना सकते हो। ये मैंने प्लाजो में जो हमने मार्जिन छोड़ा होता है फोल्ड करने के लिए नीचे से फोल्ड कर लिया है। ये सेंटर वाली सिलाई है। इस तरह से फोल्ड कर लेना है नीचे से जितना कि आपने फोल्ड करना है। ये हमने डोरियों के पीस लिए हैं, 3 इंच लंबे पीस काट लेने हैं। अगर हमें ज़्यादा लगा तो हम इसको बाद में कम कर लेंगे। 3-3 इंच के पीस काटे हैं ये। और एक डोरी आपने ले लेनी है लगभग 20 इंच लंबी। और एक फ्यूजिंग पेपर का पीस लेना है, इसकी लेंथ 7 इंच लेंगे और इसकी विड्थ हम 2.5 इंच तक लेंगे। 2.5 से 2.75 इंच है ये मेरी विड्थ इसमें। अब हमने ये फ्यूजिंग पेपर लेना है और इसको सेंटर में से फोल्ड कर लेना है। यहाँ से हमने इसमें 6 इंच पे मार्क करना है और बन साइड से 0.25 इंच पे मार्क करेंगे, 0.75 इंच। और इन निशानों को मिलाते हुए बॉक्स क्रिएट करेंगे और इस मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा पैटर्न कट गया है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इसकी गम वाली साइड ऊपर की तरफ रखते हुए कपड़े की उल्टी साइड इसके ऊपर रखते हुए प्रेस कर देंगे तो ये हमारा कपड़े में चिपक जाएगा। अगर आप डायरेक्ट फ्यूजिंग पेपर पे करोगे प्रेस तो ये इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से पेस्ट करने के बाद हम इसकी साइड में थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी इन साइड्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रफ स्टिच दे देंगे, इसकी सारी साइड्स को फोल्ड करते हुए। तो चलिए फोल्ड करते हैं इसको। इसकी इन साइड्स को फोल्ड करने से पहले हमने ये जो ओपन साइड है यहाँ से 1/4 इंच के करीब कपड़ा फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने ये क्यों किया है फोल्ड इस तरह से। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। ये खुली वाली साइड है क्योंकि यहाँ पे हमें फ्यूजिंग पेपर नज़र आ रहा है। अब हम इसके सेंटर पे मार्क कर लेंगे दोनों तरफ। ये मैं हल्का सा कट लगा रही हूँ और इस साइड में भी कट लगा लूँगी हल्का सा इस तरह से सेंटर पे। अब हम ये प्लाजो लेंगे और इसके सेंटर पे हमारे ये स्टिच आया हुआ है तो हमें इसका सेंटर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाली साइड हमारी नीचे की तरफ आएगी, मैंने आपको बताया था ये ऊपर वाली साइड में आएगी। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसमें अटैच कर लेंगे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए प्लाजो का और इस पैटर्न का। ये मैंने नीचे से इसलिए फोल्ड किया था क्योंकि जब हमारा यहाँ पे अटैच होगा तो बाद में, नहीं तो अगर नहीं फोल्ड करते तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती क्योंकि यहाँ से हमारे धागे निकलते रहते। सबसे पहले इसको इस तरह से सेंटर में रखते हुए एक रफ स्टिच लगा लीजिए। अब हम जस्ट थोड़ा थोड़ा फ्यूजिंग पेपर दबाते हुए जितना कि ये मैंने मार्क किया हुआ है इसमें पूरे में हम स्टिच दे देंगे। स्टार्टिंग से पक्का कर लेंगे। इस तरह से अब हम इसके अंदर से 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। और इसके कॉर्नर्स पे यहाँ पे ये सिलाई से थोड़ा सा दूर छोड़ते हुए कट्स देने हैं। इस तरह से सिलाई से दूर रखते हुए कट देने हैं, सिलाई नहीं कटनी चाहिए इस तरह से। और पूरे में हम हल्के हल्के से नोचिस लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसको उल्टी साइड में पलटते हुए यहाँ पे स्टिच दे देंगे, एक रफ स्टिच लगा लेंगे या फिर आप आयन भी कर सकते हो।
ये इस तरह से इसमें मैंने रफ़ स्टिच दे दिया है। बाद में हम इस स्टिच को निकाल देंगे और यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे एंड्स पे एक एक मार्क कर लेना है और यहाँ से ऊपर से आधा इंच के करीब मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है दोनों तरफ। अब हम इंची टेप की हेल्प से देखेंगे कि ये जो एक मार्क से दूसरे मार्क के बीच का गैप है ये कितना आ रहा है। जैसे ये 5 इंच आ रहा है तो हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो ये हम एक एक इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से दूसरी साइड में भी मार्क कर लेना है एक एक इंच का गैप छोड़ते हुए। अब हम ये लूप्स लेंगे और इन लूप्स को इन पॉइंट्स के ऊपर रखते हुए अटैच करेंगे। स्टार्टिंग में हमने छोटे लूप्स अटैच करने हैं, मैं आपको अभी अटैच करके दिखाऊंगी। इस तरह से हमने जो दोनों किनारों पे पहले लूप्स अटैच करने हैं इनको हमने आधा इंच के करीब बाहर की तरफ निकालते हुए अटैच करना है। और जो हम ये स्टिच लगाएंगे इसको हम बारीक चाल में रखते हुए लगाएंगे ताकि ये हमें दोबारा से यहाँ पे स्टिच लगाना ना पड़े। ये इस तरह से हमने एक लूप अटैच कर लिया। अब हम इनमें भी लूप्स अटैच करेंगे और ये जो दूसरे किनारे का लूप है हम एंड में अटैच करेंगे। इस तरह से लगाते हुए आएंगे। अब ये जो हम बाकी के लूप्स अटैच कर रहे हैं इनको हमने पौना एक इंच के करीब निकालते हुए अटैच करना है। मींस इसके बिल्कुल सेंटर तक आना चाहिए, ये जो गैप है इसके बिल्कुल सेंटर तक आना चाहिए। तो 1.5 इंच का हाफ पौना एक इंच हुआ। तो इस तरह से हम रखते हुए सारे लूप्स को अटैच कर लेंगे। अब हमने जब इस तरफ अटैच करना है लूप को तो हमने इस साइड वाले लूप के अंदर से इस तरह से डोरी को निकालते हुए फिर लूप बनाते हुए फिर इसके ऊपर स्टिच लगाना है। इस तरह से करते हुए हम इसके ऊपर स्टिच दे देंगे। इसी तरह से करते हुए हमने सारे लूप्स फिक्स कर लेने हैं। और इस स्टिच को लगाते हुए ध्यान रखें कि आपका जो गैप है वो बिल्कुल बराबर रहे, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एंड पे हम फिर से आधा इंच के करीब लूप बाहर निकालते हुए अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से इनका जो गैप है मेरा सेंटर में इस तरह से आधा इंच के करीब गैप बचा है। ये इस तरह से हमने स्टिच देते हुए लूप्स को फिक्स कर लिया है। आप चाहो तो इसके साथ 1/4 इंच के गैप के ऊपर एक और स्टिच दे सकते हो, लेकिन मैंने इसको पहले ही बहुत बारीक स्टिच दिया है तो अब मैं इसके साथ स्टिच नहीं दूंगी। अब हम इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे और जो हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा डोरियाँ बच गई हैं तो हम इनको काटते हुए बराबर कर लेंगे। और मैंने पहले भी बताया कि इसकी उल्टी साइड पे मैंने यहाँ पे तुरपाई करनी है तो बाद में मैं तुरपाई कर लूँगी। अब मैं ये डोरी लूँगी। मैंने आपको 20 इंच तक लंबी डोरी कहा था लेकिन मैंने इसको काटते हुए थोड़ा छोटा कर लिया है, मैंने 15 इंच तक लंबी ले ली है। आप चाहो तो 20 इंच भी ले सकते हो। और मैंने इसकी इस साइड में इस तरह से टैसल बना के लगाया है कपड़े का, और इस साइड में मैंने अभी लगाना है। ये मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि किस तरह से बनाया है मैंने। तो मैंने इसको बनाने के लिए ये कपड़े का पीस लिया है, 3x3 इंचेस का पीस है ये, 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई है। और इसको हमने इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद डोरी को इस तरह से प्लेस करना है इसके ऊपर वन साइड अपनी तरफ रखते हुए, और इस तरह से इसको फिर से फोल्ड करते हुए ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पे ये जो ओपन साइड है इसमें स्टिच दे देना है। इस तरह से पक्का कर लें स्टिच को। अब हम इसको स्टिच देने के बाद इस तरह से पलट लेंगे। अब पलटने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया आप चाहो तो इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए नीडल और थ्रेड की हेल्प से भी इसको यहाँ पे स्टिच देते हुए अंदर की तरफ मोड़ते हुए पक्का कर सकते हो, या फिर मैं इसके ऊपर मैचिंग थ्रेड से
एक छोटा सा यहाँ पे स्टिच लगा दूंगी ताकि ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मेरा बाहर ना निकले। इस तरह से स्टिच देने के बाद ये मेरा टैसल रेडी हो गया है। तो इस तरह से ये देखिए दोनों तरफ टैसल लग चुके हैं। अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो नीचे वाले लूप्स लगाए हैं हमने किनारों वाले, इनमें से इस तरह से निकालते हुए इस तरह से डोरी को निकाल लेना है। अब हम इसको नॉट कर देंगे। हल्की सी नॉट कर देनी है यहाँ पे और नॉट करने के बाद ये हो गया हमारा फाइनल लुक। इस डिज़ाइन को आप बाजू और प्लाजो की मोहरी दोनों में बना सकते हो। तो इस तरह से हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।